हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और आइडेंटिटीज़ को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और आइडेंटिटीज़ को किस तरह से हम इजीली समझ सकते हैं और उन्हें याद रख सकते हैं, आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो जो सिक्स रेशियोज़ होते हैं उसे याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इतना याद रख लिया तो हमारे लिए रेशियोज़ को याद रखना भी थोड़ा ईजी हो जाता है। कैसे, ये देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है राइट ट्रायंगल में। जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी वहाँ पर राइट ट्रायंगल भी ज़रूर होगा। पहले एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। और ये पंडित जी है ना, हर हर बोलने के साथ ये भी बोल रहे हैं कि मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो ये है राइट ट्रायंगल, जहाँ पर एक एंगल होता है 90 डिग्री का और दो एंगल होते हैं एक्यूट एंगल्स। राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं, हम पाइथागोरस में यूज़ करते रहते हैं। तो ये इसका हाइपोटेनस, और बाकी की जो दो साइड बची हैं वो है एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड। तो वो डिपेंड करता है एंगल पर। ये एडजेसेंट और ये अपोजिट साइड है। अगर हम देख रहे हैं ये वाला एंगल, तो ये परपेंडिकुलर यानी कि अपोजिट और ये एडजेसेंट बेस है। और अगर इस एंगल को देखेंगे तो इसके सामने वाली साइड अपोजिट और वो एडजेसेंट होगी। ये एंगल है समझो, इसे हम एंगल का नेम दे देते हैं थीटा। तो इस थीटा के जो सामने साइड है वो है परपेंडिकुलर। हमेशा एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर साइड, और जो उसके साथ एडजेसेंट साइड होती है वो होता है उसका बेस। तो इस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, लेकिन हाइपोटेनस वही रहेगा। वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, हम किस एंगल को देख रहे हैं। तो उसके सामने वाली साइड को हमें परपेंडिकुलर और साथ वाली को बेस लेना है। अब आते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरहर भोले पे। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हरहर भोले का हम पी बी पी और एच एच बी ले लेते हैं। ये पी बद्री का बी और प्रसाद का पी, ये एच हर हर भोले का एच एच पी। तो ये बन गए थ्री रेशियोज, पी अपॉन एच और पी अपॉन बी। ये हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये तो हो गए साइन कॉस टेन। टोटल सिक्स रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ये सिक्स नेम्स याद रखने होंगे क्योंकि ये बार बार यूज़ होंगे, और इनका ऑर्डर भी ऐसे ही याद रखना है। और साइन थीटा, क्योंकि साइन कॉस टेन को हम अकेले नहीं लिखते, उनके साथ एंगल का नाम लिखा जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। कोसेक सेक कॉट इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं साइन कॉस टेन के। तो साइन थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा हुआ पी अपॉन एच, कॉस थीटा हुआ बी अपॉन एच, टेन थीटा हुआ पी अपॉन बी। अब कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल यानी एच अपॉन पी, एसी का उल्टा हो जाएगा पी अपॉन एच का एच अपॉन पी। सेक होता है कॉस का एच अपॉन बी, और कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि बी अपॉन पी। तो इन्हें इसी ऑर्डर में याद रखना, नहीं तो ये पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी रॉन्ग हो जाएंगे अगर हमने साइन कॉस टेन और इनका ऑर्डर चेंज किया। ये थे इसके सिक्स रेशियोज। इस तरह से हम पंडित बद्री प्रसाद हरहर भोले से इन सिक्स रेशियोज को याद रख सकते हैं। बस एंगल याद रखना होगा कि हम किस एंगल को देख रहे हैं। अगर हम इस एंगल को देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और बेस हैं, और अगर ये वाला एंगल हो गया उस एंगल को देखा जा रहा है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। अब आगे कुछ और फॉर्मूलेज देखते हैं। साइन थीटा होता है कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल। तो
साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। इसी तरह से कोसेक थीटा हुआ साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो कोसेक थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा, और कॉस थीटा होगा सेक थीटा का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, और सेक थीटा हुआ 1/cos थीटा। इसी तरह से टेन थीटा होगा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है टेन, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, और कॉट थीटा हुआ 1/tan थीटा। तो ये इसका यूज़ हमें आइडेंटिटीज़ में करना होगा आगे। तो ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड करके, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके टेन थीटा होता है। और इसी तरह से जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि इसका टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इन दोनों को डिवाइड करके आएगा कॉट थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आते हैं 90 - थीटा वाले फॉर्मूलेस पे। साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं होता, यहाँ पर साइन 90 - थीटा को हम कॉस थीटा लिखेंगे, ये भी याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, साइन होता है साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा। टेन 90 - थीटा होता है कॉट थीटा, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल ही आ रहा है, टेन 90 - थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, और कॉट 90 - थीटा टेन थीटा। इसी तरह से कोसेक 90 - थीटा होता है सेक थीटा, ये होगा सेक थीटा, और सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा। तो ये हो गई इसकी 90 - थीटा वाली फॉर्मूलेस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन कॉट, कॉट का टेन, कोसेक सेक, सेक कोसेक, ये 90 - थीटा में हम इस तरह से यूज़ करेंगे। अब आते हैं इसकी आइडेंटिटीज़ पर। इसमें 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, अगर उन्हें याद रख लिया तो हमें बाकी के जो हैं इससे बनने वाली वो भी याद हो जाएंगी। 3 बेसिक हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और सेकंड है 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है 1 + cot² थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, और अगर इन तीनों को याद कर लिया तो बाकी से इससे जो बनने वाली आइडेंटिटीज़ होती हैं वो वैसे ही याद हो जाती हैं, जैसे कि साइन इस तीनों से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 2 और बन जाएंगी। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दिया और कॉस स्क्वायर थीटा को हम उधर ले गए, तो ये बन गई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos² थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 - sin² थीटा। तो इस तरह से 1 से 2 और बन गई। अब 1 + tan² थीटा का यूज़ करें, तो यहाँ पर 10² थीटा हम फाइंड करेंगे, 1 उधर चला जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1, और sec स्क्वायर थीटा -10² थीटा इक्वल्स टू 1, ये एक और बन जाएगी आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा -10² थीटा इक्वल्स टू 1। अब इस वाली आइडेंटिटी से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और एक बन जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा -cot² थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये 9 आइडेंटिटीज़ हैं।
जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जब सॉल्व करेंगे वहाँ पर ये यूज़ होती हैं। तो ये थ्री बेसिक आइडेंटिटीज़ अगर हमें याद हो गई तो हमें नाइन आइडेंटिटीज़ याद हो जाएंगी इसकी, ये टोटल नाइन है। उसके बाद दो और हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है कहीं कहीं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, इससे एक और बनती है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। अब ये आइडेंटिटी बनी कैसी है वो देखते हैं। जैसे कि ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, यहाँ पर हमने यूज़ किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो दो ब्रैकेट बनते हैं। तो यहाँ पर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से दो ब्रैकेट्स बनेंगे, साइन थीटा प्लस टेन थीटा, साइन थीटा माइनस टेन थीटा, और इधर से हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा को नीचे ले जाते हैं तो ये वन अपॉन सेक्स थीटा माइनस टेन थीटा आ गया। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, उससे बन जाएगी ये वाली आइडेंटिटी वन अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये हैं टोटल 11 आइडेंटिटीज़ जिन्हें हम यूज़ करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। थैंक यू।